तो दोबारा से देख सकते हैं आपकी बस में कितनी भीड़ हो रही है आप देख। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम मैं लगा हूँ रिक्शे की लाइन में और जैसे मैं पहुंच गया हूँ अदमताल और दोस्तों कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। इन ब्लॉग के संग में फिर आ गया हूँ आपका अपना भाई जिसान ली। और जो आज का ब्लॉग है नैनीताल के वेदर के, उसमें आज जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ नैनीताल के तलगीताल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं अपने ब्लॉग को। तो उम्मीद करूँगा कि ब्लॉग को पसंद है तो लाइक करिएगा और ब्लॉग इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और दिखाता हूँ लेक, टूरिस्ट, तलगीताल, माल रोड, तो सब दिखाता हूँ। वहाँ से हम करेंगे रिक्शे की सवारी, तो वो भी दिखाऊँगा कि नैनीताल में माल रोड में रिक्शे की सवारी कैसे होती है। तो चलिए अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम मैं लगा हूँ रिक्शे की लाइन में और रिक्शे की लाइन इतनी लंबी है, तकरीबन सबसे पीछे हूँ मैं और 15 से 20 मिनट हो गए मुझे खड़े यहाँ पे। अब ई रिक्शा अब आ रहे हैं और जाम भी बहुत लग रहा है, आप देख सकते हैं। और जाम इसलिए लग रहा है ना क्योंकि स्कूलों में जो बच्चों की छुट्टी हुई है तो बच्चे भी जा रहे हैं, तो इस वजह से और भीड़ हो जा रही है। तो बच्चों की उससे और जाम लग जाता है क्योंकि स्कूल की जो गाड़ियाँ होती हैं और बच्चे अभी जा रहे हैं स्कूल के, तो उससे भी अभी हमें जाम लग रहा है और लाइन बड़ी लंबी है। और देखते हैं कब नंबर आता है हमारा। 15-20 मिनट तो खड़े खड़े हो गए। जाना है तलगीताल काम भी है और ब्लॉग भी बनाना है वहाँ पे। और जैसे आज मैं दिन में लाइव भी आया था तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा है ये रिक्शे की लाइन का। और ई रिक्शा बड़ी धीरे धीरे में आ रहे हैं क्योंकि लग रहा है जाम नीचे की तरफ, तो उससे धीरे धीरे इधर देख सकते हैं अभी। कुछ ऐसा नज़ारा है आप देख सकते हैं, नज़ारा तो क्या कहेंगे, जाम कहेंगे इसको। तो जैसा आप देख रहे हैं फाइनली मुझे रिक्शा मिल चुका है, मैं जा रहा हूँ तलगीताल। और आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं ब्लॉग के माध्यम से कि कितनी भीड़ भाड़ हो रही है अभी। और यार पसीना भी काफ़ी निकल गया क्योंकि धूप ना आज बड़ी मस्त बड़ी अच्छी धूप आ रही है और काफ़ी चटक धूप है, अच्छा वेदर है नैनीताल का। हम तो सोच रहे थे बारिश होगी यार, लेकिन बारिश नहीं हुई है, धूप हो रही है। और आप देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा है, लोअर माल रोड में जाम लग रहा है और अपर माल रोड में हम जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं अब हम निकल पड़े हैं माल रोड होते हुए तलगीताल को। बड़ी मशक्कत से हमें रिक्शा मिला और काफ़ी जद्दोजहद करी हमने टिकट पाने के लिए, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं ना वो कहते हैं हमने टिकट पहले ले लिया, और जबकि लाइन वाइज टिकट मिलता है यहाँ पे। कभी आप आएँ तो ऐसा टिकट नहीं मिलता, मैं आपको बता दूँ, लाइन में लगना पड़ता है। लाइन में लगने के बाद जब आपका नंबर आएगा तो आपको टिकट मिलेगा। तो थोड़ा सा ये नज़ारा है, दिखाते हुए चलते हैं आपको माल रोड का। तो जैसा आप देख सकते हैं लेक का नज़ारा, और इधर हम चलेंगे तो यह है माल रोड का नज़ारा और हम जा रहे हैं रिक्शे में। और जैसे मैं पहुंच गया हूं अदमताल और यहां पे से थोड़ा वेदर ऐसा है कि यहां पे थोड़ी धूप नहीं है। आप कुत्ते देख रहे हो कितने डेंजर हैं ये। तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है नैनीताल में। तो यह है कुछ नज़ारा, मैं पहुंचने वाला हूँ तलगीताल। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम मैं पहुंच गया हूँ तलगीताल और तलगीताल का नज़ारा आप देख रहे हैं कि पेड़ से हरियाली कितनी हो रही है, पूरे हर ग्रीन हो रहे हैं इस टाइम। तलगीताल में मौसम तो
तो पहुंच गए हम तल्ली ताल, अब उतरते हैं रिक्शे से और फिर चलते हैं रोडवेज स्टेशन के पास। और यहाँ भी देख सकते हैं आप लाइन लगी हुई है। और इस टाइम पहुँच गया हूँ तल्ली ताल, और तल्ली ताल का नज़ारा कुछ ऐसा है। रोडवेज स्टेशन के पास में पहुँच गया हूँ और ये देख सकते हैं आप। और चलते हैं लेक की तरफ और लेक का कुछ नज़ारा मैं दिखाता हूँ आपको। पानी का लेवल तो बहुत कम हो गया है, इधर से जितना जितना वाइट है ना यहाँ तक हमारा पानी रहता था बरसात के उसमें, लेकिन अब पानी हमारा यहाँ तक आ गया है। और थोड़ा सा मैं आपको फिश दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप फिश। और यहीं से हम इधर को चलेंगे तो आप देख सकते हैं नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक। ये कुछ ऐसा है नज़ारा, ये देख सकते हैं आप। और इस टाइम मैं खड़ा हूँ रोडवेज स्टेशन में, और जैसा मैं देख रहा हूँ कि बस हमारी एक ही बस हल्द्वानी की उतनी पैक हो गई, पूरी ठोसा ठूस हो गई है। और सवारियाँ जो अभी बाहर खड़ी हुई हैं, जो पहले की भीड़ होती थी वो आज तो उतनी भीड़ नहीं है खैर, लेकिन यह है कि लोगों को सीट अभी भी बस में नहीं मिली है, क्योंकि इस टाइम जो ना एक दो बसें शायद यहाँ पे होती है, तब इस टाइम ये देख सकते हैं बस में। और वेदर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा वेदर है ये। और पानी का लेवल कितना कम हो गया मैं आपको दिखाऊँ, तो ये देख सकता है कि पानी का लेवल कितना कम हो गया, पानी पूरा यहाँ यहाँ तक आ गया पानी, ये देख सकते हो सामने देख सकते हो पूर। और बरसात में ना पानी यहाँ तक रहता है, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ तक। कभी कभी जब मैं आपको बता दूँ ना बरसात में तो माल लोड यहाँ में तल्ली ताल की माल लोड में भी पानी आ जाता है, जब निकासी नहीं होती, निकासी होती तो पानी फिर अपने लेवल में रहता है। और इधर की तरफ है ठंडी सड़क, ये देख सकते हो आप। तो कुछ ऐसा नज़ारा है, तो दोबारा से देख सकते हैं आपकी बस में कितनी भीड़ हो रही है आप देख सकते हैं। और ये बस अभी अभी आई है, एक बस चली गई है अभी, जब इसकी सवारी उतरेंगी, जब बाहर से सवारी ऊपर चढ़ेंगी तो आप देख सकते हैं कि बस की कमी यहाँ लोगों को कितनी खल रही है और इतनी भीड़ है आप देख सकते हैं ये। तो ये देख सकते हैं कितनी भीड़ है, आप देखते हैं इसमें कैसे चढ़ते हैं कैसे उतरते हैं लोग। और अभी तो लोग उतर रहे हैं, सवारियां उतर रही हैं, आप देखते हैं इसमें कैसे चढ़ते हैं। और उधर से बैग डाल दिया है और वो खिड़की से चढ़ गए हैं, ये देख सकते हैं कैसे चढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे चढ़ रहे हैं लोग, चढ़ो 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 चढ़ो, चढ़ाइए चढ़ाइए चढ़ाइए। तो कुछ ऐसा नज़ारा देख रहे हैं आप बस में, क्या हाल है बस का। और आप लोग कह रहे हैं कि अगर हम बस से आए तो, अभी पूरी सवारी उतरी भी नहीं है जबकि।
बच्चों को ऐसे खिड़की से चढ़ा रहे हैं अगर बाइक पे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और ऐसे तो कोई भी नहीं चल पाएगा जैसे ये चल रहे हैं, और वो दिखे खिड़की से। आप जो हैं पुलिस वाले आए हैं, एक बस और आ गई है। अभी उधर भाग गए, तो कुछ नैनीताल का नज़ारा कुछ ऐसा आप देख सकते हैं कि ये बस की कमियां लोगों कितनी खल्ली है सीजन में, जबकि कह रहे हैं कि बस एक्स्ट्रा भी लगाई गई हैं। और दूसरी बस भी आ गई, आप देख सकते हैं इसमें भी भीड़, और इसमें तो बड़ी कैसे चढ़े लोग। तो देखिए कैसे चल रहे हैं खिड़की से। बस में कंडीशन ख़राब हो गई है, सवारी को जगह नहीं मिल रही है, बस की कमी भी खली है, लोगों को सीज़न में चल रहा है यहाँ पे। और मैं आपको क्या बताऊँ कि इस टाइम बस की जो बसें हैं ना उसको बढ़ा दी गई है, उनकी संख्या कुछ ज़्यादा कर दी गई है, लेकिन फिर भी जो है सवारी यहाँ पे बहुत हैं और बस की संख्या तो कम है नैनीताल में। और तकरीबन बज रहे हैं 4:30 बज रहे हैं, और आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे भीड़ भाड़ में आपको दिखा रहा हूँ। चलिए फिर बैक कैमरे से दिखाता हूँ कैसा है माहौल। वैसे तो बस में चढ़ गई हैं सवारियाँ, तो चलिए चलते हैं बैक कैमरे से मैं दिखाता हूँ फिर से नैनीताल का नज़ारा कैसा है। तो जैसा आप देख सकते हैं यह है कुछ लेक का नज़ारा, बोट से इस टाइम चल रही हैं, ये चलती हैं सिर्फ तल्लीताल में, और उधर चलती हैं मल्लीताल में, और धूप काफ़ी अच्छी है आप देख सकते हैं ये, और ये देख सकते हैं बादल आप कैसे हैं काले बिल्कुल। देख रहे हैं बादल कितने काले हैं, और सामने बोट भी चल रही है। और इस टाइम में हूँ इस पार्क के अंदर, ये देख सकते हैं आप, और बगल से ही नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक है, ये देख सकते हैं आप। और धूप इस टाइम पूरे फेस पे लग रही है, तो ऐसा गर्म हो जा रहा है ना, मैं आपको पूछो मत। और जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना कि नैनीताल की बस में कितनी भीड़ भाड़ हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर पर्यटक ना बस से भी आ रहे हैं, तो सुबह भी आते हैं शाम को वापसी कर लेते हैं, तो इस भीड़ और जो बस की संख्या भी जो संख्या है वो कम है इस टाइम से। और उस टाइम में सुनने में आया था बस की तो बढ़ा दी थी बसें, लेकिन फिर भी कम है। तो ये देख सकते हैं, फाइनली यहाँ पे जो है मैंने अपना ब्लॉग कंप्लीट कर लिया। आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल किसान अली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उम्मीद करूँगा कि मेरे ब्लॉग आप तक पहुँच रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब करना तो बनता है फटाफट से, 10,000 यूट्यूब फैमिली मेरी बना दीजिए, उसके बाद एक सेलिब्रेशन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।